Friends, today this is about the genetics. Okay? Genetics. पहले हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर के फोर पे आएंगे, जैसे फोर कॉन्सेप्ट होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिर अभी डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वन दे स्टडी वी हेरिडिटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स, हाउ द हेरिडिटी कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जेनरेशन टू द एनदर जेनरेशन। हम इसमें ये पढ़ाई करते हैं कि कैसे कि कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे जाता है, या फिर उसमें कोई डेफिशिएंसी है, कोई डिसऑर्डर है, उसकी हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बताऊंगा कि जेनेटिक्स जो होती है, कि ब्रांच होती है बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम जेनेटिक हेरिडिटी कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं। इसके अलावा कुछ इसके डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम जीन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस शुरू करते हैं, स्पेसिफिकली हम मेंडल पर फोकस करते हैं, मेंडल और मेंडल के लॉ पे कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस मेंडल लॉ को जानने से पहले और मेंडलिज्म को जानने से पहले हम कुछ कोर इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पहले हम जान लेते हैं, कुछ इसके टर्म्स हैं जो हमें काफी कंफ्यूज करते हैं इस चैप्टर में। एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन से टर्म्स हो इस चैप्टर में आते हैं। सबसे पहले जो आता है वो होता है आपको एलील। व्हाट इज द एलील? बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं एलील से, बट एलील होता क्या है, ठीक है। इट मींस वन जीन एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यानी एक साथ मतलब दो जीन्स होते हैं, यानी एक उसका मेन जीन और उसका दूसरा जो है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज कॉल्ड द एलील। अगर हमने यहां पे कैपिटल टी लिया है डॉग के लिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री है स्मॉल टी। इट मींस एक जो मेन जीन है और उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री जीन, तो उसे बोलेंगे एलील। जैसे मान लेते हैं हमने लिया कैपिटल वाई, ये हमने एलो के लिए लिया और उसे कॉम्प्लीमेंट्री हमने लिया स्मॉल, ओके। तो कैपिटल वाई हो गया स्मॉल टी, ये दैट इज एलील, ये दोनों ही होंगे, तो देखिए एलील क्या आएंगे, ठीक है। सेकंड हम एलील को देखो, इसके बाद हम देखते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होते हैं फिर हमें देखना है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, फिर हमें डाई हाइब्रिड देखना है, वन कैरेक्टर्स।
मेंडल्स ने क्या किया था, एक एक एक्टर्स को चूज किया था। जब एक एक एक्टर्स को चूज करके और क्रॉस कराते हैं, दैट इज वन ऑफ द मोर हाइब्रिड्स। ओके, सेकंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, व्हेन वी चूज द टू कैरेक्टर्स समर कैरेक्टर्स, एक साथ दो ही कैरेक्टर्स लेते हैं, उसे बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। अभी हम यहां डाई क्रॉस डिस्कस नहीं करते हैं, डिस्कस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके आगे आए हैं हम डिस्कस करेंगे कि डाई क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। फिर अभी हम देखें फिनोटाइप और जीनोटाइप पे फोकस करते हैं। फिनोटाइप और जीनोटाइप भी एक टर्म्स होते हैं इस चैप्टर में, जैसे फिनोटाइप मींस क्या है, मतलब ये होता है कि अगर एक्सटर्नली बाहर से किसी को देख के बताए कि वो बंदा कोई भी है, वो लंबा है, बौना है, गोरा है, वो काला है, या हम ये कहते हैं इसकी आंखें नीली है या काली है, दैट इज द एक्सटर्नली फीचर्स। और एक्सटर्नल फीचर्स को हम क्या बोल रहे हैं, फिनोटाइप बोल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि लंबा पौधा है या बौना पौधा है, तो लंबा और बौना हम कह रहे हैं तो किस सेंस में कह रहे हैं, हम उसको बाहर से देख के बता रहे हैं कि ये बौना होगा और ये लंबा होगा, सो इसे बोलेंगे फिनोटाइप कैरेक्टर्स। क्लियर। सेकंड इज जीनोटाइप। जीनोटाइप नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। हमने पहले भी कहा फिनोटाइप में कि एक्सटर्नली हम देख के पहचान लेते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, उसे फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन से हैं, उनको अगर हम देखेंगे तो हम उसे बोलेंगे जीनोटाइप। तो जेनेटिकली ये बोलते हैं इसको, ये एक्सटर्नली बोलते हैं। तो एक्सटर्नल कोई फीचर्स हम देख रहे हैं कि लंबा है, कौना है, छोटा है, कैसा भी है, तो उसको एक्सटर्नल फीचर बोल रहे हैं, फिर बोल दिया। हमने देखा कि एक्सटर्नल फीचर्स के लिए कौन से जेनेटिक रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। आइए आपने ये समझा लिया, हमें टर्म्स और पता है, ये सभी टर्म यूज होंगे इस चैप्टर में। अभी हम फिलहाल चलते हैं जेनेटिक्स, जो मेरा मेन टॉपिक है जेनेटिक्स, उस पर डिस्कस करते हैं। अगर जेनेटिक्स जो होते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर या मेंडल, ग्रेगर या मेंडल जो साइंटिस्ट है उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जीन्स पे रिसर्च किया, उस पर वर्क किया, और वो बेसिस एक देखते तो एक फादर चर्च के फादर थे। ठीक है, तो उन्हें मैथमेटिक्स से ज्यादा वहां की नॉलेज थी, और उन्हें एक देखा जाए तो उन्हें एक चर्च में एक फील्ड दिया गया जिसपे वो अपना वर्क करते थे, अपना रिसर्च के लिए जो इसलिए उनका एम था वर्क करते थे। तो बेसिस से जो मेंडल थे, ग्रेगर द मेंडल को जी मेंडल कहते हैं, वो एक पादरी थे, एक क्रिश्चियन थे। ठीक है, अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, हालांकि उनके जिंदा एक्सपेरिमेंट प्रूफ नहीं हो पाए, उनके मरने के बाद उनके जो थीसिस उन्होंने दिया था उसी को उन्होंने आगे की ओर हाइपोथेसिस के रूप में, मेंडल्स लॉ के रूप में उसी के सामने आए। तो फिर वही हम देखेंगे कि जेनेटिक्स में क्या होता है, हमें किसे जानना है। तो बेसिकली जेनेटिक कैरेक्टर्स को जानना है और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सपोज दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जेनेटिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो जेनेटिक कैरेक्टर्स मींस होता क्या है। जैसे हमने कहा कि व्हेन द कैरेक्टर्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जब कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे हम बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैं तो मेरे अंदर क्या है, मेरे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आए हैं, तो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आए हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, क्या वो शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर्स मींस दोस कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, इट्स नॉट अ जेनेटिक कैरेक्टर्स। क्लियर। सेकंड, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, हम जो अपने लाइफ में खुद करके सीखते हैं, और दोस कैरेक्टर इज अचीव बाय योर हार्ड वर्क इन योर लाइफ, जो अपनी लाइफ में हम खुद हार्ड वर्क करके सीखते हैं, दैट इज नोन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आप डांस कर सकते हो, बाइक चला सकते हो, साइकिल चला सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फादर के अंदर एक कैपेबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी, कैलिबर था, तो आपके अंदर वो चीज आ गई। नहीं, बिल्कुल आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, आपने हार्ड वर्क किया होगा, आपने इंजीनियरिंग किया, इंजीनियर बने, तो आपने क्या किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया, हार्ड वर्क किया, देन यू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, जितने भी इंजन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स इज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट द जेनेटिक कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो वी कैन से दैट द दोस कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम द
the one generation to the next generation that are genetic characters, and those characters do not transfer from the one generation to the next generation, that is known as the acquired features. Clear? Now, अब हम डिस्कस करते हैं कि मेंडल्स ने अपने रिसर्च के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से प्लांट्स को चुना, क्यों चुना, क्या रीजन था? ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की जानकारी से कि व्हाट इज द रीजन दैट मेंडल्स चूज द ओनली पी प्लांट्स, मेंडल ने पी प्लांट्स को ही क्यों चुना, इसके रीजन क्या थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो अगर मटर की प्लांट्स की बात करें तो मटर का प्लांट्स का वर्टिकल लेंथ पाइसन से पहले, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द वर्टिकल लेंथ ऑफ पी प्लांट्स, पी प्लांट्स का वर्टिकल लेंथ क्या है। सेकंड थिंग, हम बात कर रहे थे कि मेंडल ने क्यों चुना, क्यों चूज किया मटर के पौधे को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पी प्लांट्स इज द एनुअल प्लांट्स, एनुअल प्लांट्स यानी मतलब क्या है कि जो भी पौधे ऐसे होते हैं जो एक साल में उनकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, दैट इज एनुअल, और पेरेनियल में एक से ज्यादा साल लगते हैं, दैट इज पेरेनियल। तो मटर का पौधा इजी वे से जब एक साल में अपने फ्रूटिंग को, फ्लावरिंग जो भी होती है उसको कंप्लीट कर लेता है, तो एक मटर का एक पैदा चूज कर लेगा। दूसरा, उसके अंदर कैरेक्टर्स ज्यादा थे, बिकॉज हम कह सकते हैं कि पी प्लांट्स का नंबर कैरेक्टर्स, उनके पास कैरेक्टर्स की जो संख्या थी, नंबर की बहुत ज्यादा थी, ये भी एक रीजन था। तीसरा, इजी टू ग्रो इन द लैबोरेटरी, जैसे इजी वैसे ग्रो लैबोरेटरी में ग्रो करा सकते हैं। थर्ड रीजन, एंड फोर्थ रीजन, इजी टू कंडक्ट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, हम इजी वैसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मटर के पौधे चुनने का रीजन था। ठीक है, तो हमने अभी जाना कि जेनेटिक्स क्या होता है। ठीक है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वन इज स्टडी द हेरिटेरिटी कैरेक्टर्स, ठीक है, एंड सम डिसऑर्डर्स। सेकंड, हमने कुछ टर्म्स जाने, एलील्स क्या होते हैं, हमने बताया कि एलील्स में एक प्रॉपर जीन एंड उसी कॉम्प्लीमेंट्री जीन, यानी कैपिटल टी है साथ में स्मॉल टी है, तो हम इसे एलील्स बोलेंगे। मोनोहाइब्रिड का व्हेन वी टेक द ओनली वन कैरेक्टर्स, एक साथ हम केवल एक ही कैरेक्टर लेके हम क्रॉस कर रहे हैं, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम दो कैरेक्टर्स लेके क्रॉस कराएंगे, जैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस। हमने हाइब्रिड पे डिस्कस किया, हाइब्रिड आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, हमने दो डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस करा, हमने मेरी को डेवलप किया दैट इज हाइब्रिड, उस प्रोसेस को क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन बोला। हमने ये भी देखा कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप का डिस्कस किया कि फिनोटाइप आर दोस कैरेक्टर्स विद ओनली एक्सटर्नल फीचर्स, हम एक्सटर्नल फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ ये लंबा है, कौन है, छोटा है, कैसा भी है, तो उसे हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल फीचर। जब उससे हम जेनेटिक कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो हम जीन की बात करेंगे, उसको जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, अभी हम इस लेक्चर में बस इतना ही देखें, जेनेटिक स्ट्रक्चर आएगा उसमें देखेंगे मेंडल्स का, मेंडल्स का कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम उसको क्रॉस कराते हैं और कैसे उसे गैमेट्स निकालते हैं और कितने कितने के रेशियो होते हैं।